पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते महीने अमेरिका के दौरे पर थे, जहां उन्होंने भारत में रह रहे मुसलमानों पर बड़ा बयान दिया था। राहुल ने अपने बयान पर कहा कि आज भारत का मुसलमान डरा हुआ है, जिसके बाद सत्तारूढ़ पार्टी सहित तमाम दलों ने कांग्रेस नेता की आलोचना की। बीजेपी कांग्रेस पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगा रही है, तो AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल के बयान को गैरवाजिब बताया है। बहरहाल ये तो सियासत की जुबानी है, लेकिन देश के मुसलमानों का राहुल के बयान पर क्या कहना है और इस पर उनका क्या रुख है और वे इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता विशाल श्रीवास्तव ने। आइए आपको दिखाते हैं कि अयोध्या की जनता ने इस बयान पर क्या कुछ कहा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में, मैं हूँ विशाल श्रीवास्तव। अमेरिका में बैठकर राहुल गांधी ने कहा कि भारत का मुस्लिम डरा हुआ है, घबराया हुआ है। इनके इस बयान के बाद देश में राजनीति शुरू हो गई है, तो वहीं ओवैसी ने भी इनको घेरे में ले लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई मुस्लिम डरा हुआ है, घबराया हुआ है? हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे जनता से और ख़ास करके मुस्लिमों से। क्या वजह है? हाँ, डरा तो बहरहाल है ही है। क्यों डरे हुए हैं? अरे कभी कहीं लव जिहाद में फंसाया जाता है, तो कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, यही सब में डरे। कहीं वो क्या कानून निकालो कि भगाओ, तो ये करो, देशद्रोही है, तरह तरह की बवाला होता है। जो छोट भैया नेता है जो सिविल गए, ये ज़्यादा परेशान करते हैं। बड़े नेताओं की तरफ तो कोई शिकायत, छोटी राजनीति वाले जो है, ये दल बल वाले जो है, ये सब ज़्यादा परेशान। किस बात को लेकर डर है जो ऐसा बयान दे रहे हैं? किसी बात का डरा हुआ नहीं ना मुस्लिम यहाँ का, ना घबराया हुआ है। सब अपना काम कारोबार कर रहा है, अपने मस्जिदों में जा रहा है, अपना सारा प्रोग्राम कर रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं ना। तो ऐसा वो बयान दे रहे हैं कि भारत का मुस्लिम डरा ये हुआ? अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए के हिसाब से काम हो रहा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या मानते हैं इनके बयान को जो बोला इन्होंने? ये गलत बयान है, बिल्कुल सरासर गलत है। 24 का चुनाव करीब है, इसलिए वो अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं कि चुनाव में हम बहुमत से आए। राहुल गांधी ने जो बात अमेरिका में कही है बिल्कुल गलत कही है। भारत का मुसलमान ना डरा है ना डरा था। भारत में दो प्रकार के मुसलमान हिंदू जो रहते हैं, एक राजनीतिक मुसलमान है, एक राजनीतिक हिंदू हैं। यही दोनों आपस एक दूसरे से डरे हुए हैं, वरना मुसलमान या हिंदू जो असली हिंदू हैं, असली मुसलमान हैं, वो अपने ईश्वर से डरते हैं, वो अपने अल्लाह से डरते हैं। इन राजनेताओं से ना डरते हैं ना डरे हैं। हम लोग कोई डर ही नहीं है, निडर होकर घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं। जो सारी सुविधाएँ दूसरों को हैं वही हमको भी है, तो हमको डर किस बात का? और सभी नेता जानते हैं कि 5 साल तक हमको बैठना है, अगर हम किसी के साथ जास्ती करेंगे तो हमको 5 के बाद निकाला भी जा सकता है। तो इसलिए उनको भी अपने को समझ में आता है कि हमको किसी के साथ जास्ती नहीं करना है। अभी तक तो हम लोगों के साथ किसी प्रकार की जास्ती नहीं हुई है। जो कुछ हुआ है वो गलत लोगों के साथ हुआ है, जो गलत रहेगा तो उसके साथ कड़ाई करनी पड़ेगी। भारत का मुस्लिम जो है वो डरा हुआ घबराया हुआ, ऐसा क्या है, क्या इसके पीछे रीज़न हो सकता है? बहुत चीज़ हो सकती है, जो कि हम तो गुलाम हैं सरकार के, गुलाम। तो सरकार के गुलाम को किसी का डर नहीं हुआ करता। अब जिनको परेशानियां हो रही हैं तो वो इस तरीके की कहते हैं, अफवाह को फैला कर कहते हैं, ये साबित करना चाह रहे हैं। तो इनके बयान पे आप क्या कहेंगे? हम इनके बयान की निंदा करते हैं और तमाम मुसलमान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपने उसको जो है कहते हैं जोड़ के चले, और जो हमारा कहते हैं कायद है उसकी रहबरी में हम चले। भारत के मुसलमान कभी डरा नहीं ना, और भारत में ही जितना अच्छा सहूलियत हर चीज़ की उनको है, वैसी सहूलियत कहीं भी नहीं मिल सकती है। और ये तो राहुल गांधी का बचपना है, ये सब बातें करते हैं, माहौल ख़राब करते हैं, डराते हैं लोगों को, ऐसा कुछ नहीं ना। जितनी सहूलियतें यहाँ पे हर मुसलमान जब देखिए जुलूस उठाता है, जब देखिए कोई त्यौहार मनाता है खुशी से, और जितना अच्छा माहौल यहाँ का हिंदुस्तान का है मुसलमान के लिए, उतना अच्छा मुसलमान के लिए कहीं भी देश नहीं है। जो पाकिस्तान के हाई लोग करते हैं, पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन है, नमाज पढ़ने मारे जाते हैं वहाँ पे, तो हिंदुस्तान से अच्छा कौन सा है? ना कोई डरा है ना कोई वो है।
तब फिर क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं राहुल गांधी जी, इसकी क्या वजह है? ये राहुल गांधी का अपना बचपना है, कब क्या कहा जाएगा उनको। ये राजनीतिक स्टंट है उनका, ऐसा नहीं है कि मुसलमान यहाँ डरा हुआ है। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, बीजेपी की भी लगभग 10 साल होने को है, 9 साल कंप्लीट हो गया है। उनके शासन में भी कहीं ऐसा दंगा या इस तरीके का माहौल नहीं हुआ। इससे ज़्यादा तो कांग्रेस पीरियड में मुसलमानों ने दंश झेला है। जो आज ये बोल रहे हैं मुसलमानों के लिए, तो इनको पहले सोचना चाहिए था। जब इनके टाइम में जो भागलपुर हुआ, हाशिमपुरा हुआ या ताला खुलना हुआ, तो सारा मुद्दा तो इन्हीं का ही देन है ना। तो ये एक इनका राजनीतिक स्टंट है कि ये अमेरिका में बैठ के सरकारों को वो करना, सरकार को पे दबाव बनाना, प्रेशर बनाना कि मुसलमान बहुत परेशान है। ऐसा है नहीं, आप देखिए आराम से मुसलमान घूम रहा है, टहल रहा है, कहीं कोई वो नहीं है। तो देखा आपने, इस मसले पर अमूमन लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। कई लोगों ने इसे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हथकंडा बताया, तो कई लोग उनके इस बयान का समर्थन करते दिखे। फिलहाल आपका राहुल के इस बयान के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इंडिया पब्लिक खबर के लिए अयोध्या से संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अहम और जानकारी भरी खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।